हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में। अगस्त जो मंथ चल रहा है, अगस्त का, अगस्त इस महीने जो वैकेंसी आई है 2019 में, उस वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड पोस्ट नेम देख सकते हैं, प्लांट असिस्टेंट के लिए है। अगर आपने सिर्फ 10th भी पास कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th और 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और डिग्री चाहिए, क्या डिग्री चाहिए वो भी मैं आप लोग को जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ूंगा तो बताऊँगा आप लोगों को। एंड इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब कैसे आप लोगों को आवेदन करना है, कब से डेट स्टार्ट हो रहा है, सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड गाइज, अगर पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हो, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। जैसा कि आपको पता है, जो पुराने हैं उनको पता है कि डेली बेसिस पे आप लोगों को लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिल जाया करता है। तो जो नए हो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर बेल आइकन प्रेस करोगे नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाऊंगा, एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही बताऊंगा। तो जो भी होगा वो 100% एक्यूरेट होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई फेकनेस वाली बात नहीं होती है। इस चैनल पर आप अगर पुराने हो तो आपको तो पता ही होगा। तो फाइनली मैं आप लोगों को उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ले जाना चाहूँगा। ऑलरेडी मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो डाउनलोड कर रखा है, एंड आप लोग कैसे कर पाओगे ये भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या क्राइटेरियाज वगैरह है, कौन कौन कैंडिडेट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लेता हूँ। गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। एंड ये जो रिक्रूटमेंट जो निकल के आई है, जबलपुर से निकल के आई है, तो कोई इशू नहीं है। अदर स्टेट तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी स्टेट से तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको जॉब चाहिए तो किसी भी स्टेट में आप जॉब कर सकते हैं। बात हम पोस्ट की कर लेते हैं कि कितने पोस्ट हैं। देखो, नंबर ऑफ पोस्ट जो है, दो कैटेगरी की पोस्ट है, एक मैकेनिकल के लिए और एक इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल में टोटल पोस्ट जो है वो 60 हैं, एंड इलेक्ट्रिकल में जो टोटल पोस्ट है वो 40 है। तो टोटल मिला के जो है 100 पोस्ट हो गए। अब आप लोगों में से कुछ लेंगे, भाई पोस्ट तो कम है इसमें। भैया, पोस्ट से आपको क्या लेना, आप अप्लाई करो। अगर सेम आप ही की तरह सेम अगर सभी सोचेंगे तो कोई तो ऑफ फॉर्म ऑनलाइन ही नहीं करेगा। तो पोस्ट नहीं देखना, एक पोस्ट है फिर भी आपको अप्लाई करनी, क्या पता आपकी जॉब लग जाए। तो पोस्ट 100 पोस्ट है, जो कि कम है, ठीक है, बट ज़्यादा कम भी नहीं है। आप इसको अप्लाई करनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 10th 12th तो चाहिए ही मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे जो है जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए है, तो इसमें जो आईटीआई के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट आईटीआई करते भी हैं। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आईटीआईटी पद हेतु जो है ओनली मेल कैंडिडेट, एक बार और बता दूं, सिर्फ मेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट तो हो सकता है बट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इसमें जो है, जो आरक्षण जो आपको मिलता आया हुआ है, जो मिल रहा था आपको आरक्षण, रिलैक्सेशन वगैरह जो कहते हैं, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बात हो गई पोस्ट की, एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेट्स वगैरह की। तो देखो, एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि सपोज कीजिए अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो इलेक्ट्रिक आईटीआई में जो आपने आईटीआई जो कम्प्लीट किया होगा उसमें क्या है कि मिनिमम 60% जो है चाहिए। अगर 60% है, अगर आप अनारक्षित है, तो आपकी जो है पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन में भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी बताया गया है। एंड यहाँ पे जो है न्यूनतम एज की बात कर लें कि अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो एज का क्राइटेरिया बहुत ही मैटर करता है। तो एज की देखते हैं, 18 से 40 होने वाली है। एंड अगर आप पिछड़ा वर्ग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो 18 से 45 साल है, मैक्सिमम 45 साल एज है। एंड पोस्ट नेम जो है मैंने बता दिया, अगर आप सिलेक्शन होता है तो आप लोगों की ट्रेनिंग होगी 9 मंथ के लिए जो है, आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। एंड सैलरी जो है मिलेगी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो है, जिस टाइम ट्रेनिंग चल रहा होगा, 25,300 रुपये। वेतनमान की बात कर लें तो वेतनमान जो है 25,300 से 80,500 रुपये सैलरी होने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाती है। लेवल 6 के अकॉर्डिंग आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जाननी ही चाहिए। तो ये मेन चीज़ें थी जो जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। देखो, 1 अगस्त से ही एप्लीकेशन स्टार्ट है, एंड लास्ट जो है 30 अगस्त तक आप जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। एग्ज़ाम जो है आपका 15 दिवस पूर्व हो जाएगा एग्ज़ाम, एंड उस एग्ज़ाम से रिलेटेड भी फुल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, बट लास्ट जो है 30 अगस्त तक जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके बाद ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। अब ऑनलाइन करने के लिए जाना कहाँ होगा, देखो दो वेबसाइट बताया गया है, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट
mponline.gov.in पे जो है आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं देने वाला हूँ, तो वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात पोस्ट की हो गई, एज की हो गई, अब बात कर लेते हैं फ़ीस की कि भैया फ़ीस कितना पे करना होगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। देखो यहाँ पे दिया गया आवेदन शुल्क 90। अनारक्षित अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों का फ़ीस जो है 1000 रुपीज़ होगा, जो कि नन रिफंडेबल है। एंड अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवार के लिए जो है 600 रुपीज़ है, जो कि नन रिफंडेबल है, फ़ीस जो है आपका रिफंड नहीं होगा, जैसे कि RRB में कर दिया जाता है, बट यहाँ पर नहीं होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जाननी ही चाहिए। एंड PDF को एक बार और क्लियर ढंग से पढ़ लेना, ताकि आपका जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाए। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कुछ आपके मन में डाउट, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कर देना, एंड मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवाल को जवाब जरूर दे पाऊँ। एंड गाइज, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। एंड फिर लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, डेली लेटेस्ट जॉब्स के अपडेट पाने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।